हेलो हेलो चलो चलो सो वी आर गोइंग इनसाइड मैशअप ये कहाँ पे आपके लिए कुछ इधर 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 फोटोग्राफी हो रही है सो हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं एवोकाडो गोलगप्पा और इसके अंदर पता ही नहीं चल रहा है कि एवोकाडो है बहुत टेस्टी है यार लखनऊ की गलियों में और आज मैं जा रही हूँ अपने दोस्तों से मिलने के लिए तो मैंने सोचा वो जगह आप लोगों को दिखाते हैं सो मैं अभी जा रही हूँ गोमती नगर में मैशअप कैफे एंड बार है वहाँ पर जा रही हूँ सो चलिए एक्सप्लोर करते हैं अगर पसंद आए मेरा व्लॉग तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल नीचे प्यारा सा लाल कलर का बटन होगा जिसे खचक से दबा दीजिएगा दोस्तों मैं यहाँ पे आ गई हूँ समिट बिल्डिंग में और यहाँ मेरा दोस्त जो है वो सामने इंतजार कर रहा है सो चलिए चलते हैं मिलते हैं हेलो हेलो चलो चले तब से हाँ यार सॉरी एक्साइटेड हाय अंजलि कैसे हो चलो अंदर चलते हैं बढ़िया रही ये भी एक फूड ब्लॉगर है आगे भी फूड ब्लॉगर जा रहे हैं हम सारे फूड ब्लॉगर जा रहे हैं अंदर फर्जी कैफे एक दिन फर्जी कैफे भी आप लोगों को दिखाऊंगी मैं पर अभी हम मैशअप में जा रहे हैं कौन से फ्लोर पे है सेकेंड फ्लोर पे सो लेट्स गो लिफ्ट नहीं वेट लॉस हाँ एक ही फ्लोर है ठीक है ये सही है पहले पचाओ फिर खाओ ऐसे कैसे होगा ये है दोस्तों मैशअप अब हम जाएंगे बार कैफे एंड बार सॉरी सो यहाँ पे एंट्री हो रही है हमारी सो वी आर गोइंग इनसाइड मैशअप ये कहाँ पे अच्छा सामने है सब लोग हेलो 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 आपके लिए कुछ इधर 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 दो तो दोस्तों ये है मैशअप कैफ़े एंड बार का फूड मेन्यू जहाँ पे आपको इटालियन चाइनीज़ इंडियन फूड तीनों तरह के फूड देखने को मिलेंगे प्राइजेस की बात करूँ तो ऑफ कोर्स और हाई थे लेकिन फूड क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी तो ये था इनका फूड मेन्यू सो दोस्तों हमारे यहाँ पे महंगे वाले गोलगप्पे आ चुके हैं एवोकाडो गोलगप्पा ये हमारा एवोकाडो गोलगप्पा तो हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं एवोकाडो गोलगप्पा और इसके अंदर पता ही नहीं चल रहा है कि एवोकाडो है बहुत टेस्टी है यार सो दोस्तों ये है मलाई सोया चाप और मेरे दोस्त कह रहे काफी अच्छा है सो लेट्स सी कैसा है पिज़्ज़ा प्रेजेंटेशन काफी अच्छा है यहाँ पे फूड का सो अब हम खाते हैं डांग इलायची का काफी फ्लेवर आ रहा है बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ का क्वालिटी अच्छी है शेक और दिखने में काफी अच्छा लग रहा है प्रेजेंटेशन काफी ब्यूटीफुल सा है सो लेट्स सी कि कैसा होता है टेस्ट में सो बढ़िया ना ज्यादा थिक है ना ज्यादा पतला है बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी लग रही है इसकी मुझे मुझे काफी अच्छा लग रहा है यार वैसे मैं ओरियो शेक बहुत कम पीती हूँ अंजलि स्प्रिंग रोल कैसा है अच्छा है बताओ तो बहुत अच्छा है तो दोस्तों हमने यहाँ पे फूड को काफ़ी इंजॉय किया फूड की जो क्वालिटी है मैशअप की मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी जो प्राइसेस थे थोड़े हाई थे काफ़ी क्राउड हो रखा है यहाँ पे जो बॉलिंग होता है वो खेल रहे हैं सब लोग
सो फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, प्राइसेस थोड़े हाई हैं लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है क्वालिटी के साथ। जैसे कि कहीं कहीं पे प्राइसेस ज़्यादा कर देते हैं फूड की क्वालिटी को, मतलब थोड़ा कम कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे अच्छा लगा कि फूड की क्वालिटी को काफ़ी अच्छा रखा गया है। सो बस अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जो बॉलिंग है वो खेलेंगे, ट्राई करेंगे, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया कभी, सो फर्स्ट टाइम होगा। और यहाँ का मैं आप लोगों को एम्बियंस भी दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छा दे रखा है। सो मेरी फ्रेंड यहाँ पे वीडियो बना रही है, सो आप लोगों को यहाँ पे एम्बियंस भी दिखाती हूँ। अगर आप लोग फ्रेंड के साथ मतलब आना चाहते हो तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, आप यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हो, काफ़ी इन्जॉय करोगे। यहाँ का जो वाइब्स है ना वो बहुत ही पॉजिटिव लाइक और लाइक कह सकते हैं फ्रेंड्स के लिए तो काफ़ी अच्छा ये मतलब एटमोसफेयर होगा। सो चलिए दिखाती हूँ। तो अभी भी कुछ लोग अपना फूड इन्जॉय कर रहे हैं, सब घूम रहे फिर रहे हैं। यहाँ पे ये बॉलिंग जो अभी हम जाके ट्राई करेंगे, सो यहाँ का एम्बियंस आप लोगों को दिखाती हूँ थोड़ा सा कैसा है। सो काफ़ी स्पेशियस भी है, पुल करो। अच्छा ये स्मोकिंग जोन एरिया है, स्माइल स्पार्कर एंड शाइन, सो ये स्मोकिंग एरिया है, अलग से सेपरेट बनाया गया। वहाँ पे ऑलरेडी गेम चल रहा है तो उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगी तो ज़रूर यहाँ पे ये खेलूँगी। और इसके चार्जेस अलग होते हैं, मैं आप लोगों को बता दूँ, तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। से निकल चुके हैं अपनी गैंग के साथ, जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हैं। मम्मी की रोगी मैं। सो सब लोग बताओ अपना एक्सपीरियंस कैसा लगा मैशअप में? बहुत बहुत अच्छा, मैं तो वहां बुला ही रही हूं। सब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, काफी एंजॉय किया। चार्जेस हमने पता किए तो आप ये समझ लो कि 400 पर पर्सन के, अगर आप कपल के साथ आते हो तो 600 आप लोगों को पड़ जाएगा, तो ट्राई कर सकते हो। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, नीचे प्यारा सा लाल कलर का बटन होगा इसे खटक से दबा दीजिएगा। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, चल देन बाय बाय, टेक केयर।